भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आर्थिक हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने आईएमएफ से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग लिया है। आईएमएफ से इस तरह की मदद के गुहार लगाने का मतलब है कि बांग्लादेश उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आईएमएफ से कर्ज की मांग कर चुके हैं। व्हाट्सअप गाइज असलम अपना रकेमन आसिन आशा कुरी छपाई बलो आसिन अमी जिनेद अपना देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल अमी अपना दर जुनो आगती वीडियो प्ले करती जच्ची सबाई देखबिन आशा कुरी छपाई देखबिन बलो लगभे। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया अब बांग्लादेश को श्रीलंका के साथ मिला रहा है। भारत के अंदर क्या हालात है भारतीय मीडिया को वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है भारतीय मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है और ये बात कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और बांग्लादेश की हुकूमत को श्रीलंका की तरह समझ नहीं आ रही कि मुल्क को कैसे चलाना है और श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश के होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की दोस्ती चाइना के साथ है, चाइना बांग्लादेश को कर्ज दे रहा है, बांग्लादेश को फंसा रहा है, ये दावा किया जाता है भारतीय मीडिया की तरफ से बार बार। अब एक दफ़ा फिर ये बात की जा रही है भारतीय मीडिया के ऊपर कि बांग्लादेश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बांग्लादेश श्रीलंका जैसी हालत होने जा रही है और बांग्लादेश आने वाले टाइम पर श्रीलंका जैसा होने जा रहा है। क्या कह रहा भारतीय मीडिया आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आर्थिक हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश ने आईएमएफ से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग लिया है। इस संबंध में बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने आईएमएफ को आधिकारिक पत्र लिखा है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ की प्रबंध निदेशक को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि देश की आर्थिक बदहाली के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने और बांग्लादेश पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कर्ज की जरूरत है। बांग्लादेशी बैंक के डेटा के मुताबिक पिछले साल जुलाई से इस साल मई के बीच बांग्लादेश का आयात 81.5 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 39% अधिक है। बांग्लादेश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 11 महीनों में 6 गुना से अधिक बढ़कर 17.2 अरब डॉलर हो गया। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। 20 जुलाई तक बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 39.7 अरब डॉलर रहा है। बांग्लादेश में जून महीने में महंगाई दर 9 महीने के उच्च स्तर पर रही। इस दौरान महंगाई दर 7.56% रही। वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ऐसी पूरी संभावना है कि आईएमएफ से मिलने वाली 4.5 अरब डॉलर की धनराशि में से 1.5 अरब डॉलर पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और बाकी धनराशि पर 2% से कम ब्याज लगेगा। आईएमएफ से इस तरह की मदद के गुहार लगाने का मतलब है कि बांग्लादेश उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आईएमएफ से कर्ज की मांग कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का पैकेज देने पर सहमति जताई थी। ये पैकेज अगले साल तक पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके साथ ही तंजानिया को 1.05 अरब डॉलर और घाना को 1.5 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज देने की सहमति जताई गई थी। रिपोर्ट की माने तो इस संबंध में बांग्लादेश की आईएमएफ के साथ सितंबर में बैठक हो सकती है, जिस दौरान कर्ज को लेकर शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस साल दिसंबर तक दोनों पक्षों के बीच इस डील को लॉक इन कर जनवरी में आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग के समक्ष इसे पेश किया जाएगा। आमतौर पर आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज से जुड़ी शर्तें बहुत सख्त होती हैं, जिसका पालन नहीं करने पर गंभीर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बांग्लादेश को जरूरत है कि वह पूरी तरीके से सोच समझकर हर कदम को उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा यही दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश अगर आईएमएफ के पास गया है तो बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और आईएमएफ की बहुत ही सख्त शरायत होती है, जिसको पाकिस्तान में आजमाया भी जा चुका है और पाकिस्तान के ऊपर अब अरबों डॉलर कर्ज होने की वजह से पाकिस्तान में बिजली महंगी पे महंगी की जा रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर गैस की प्राइस बढ़ाई जा रही है और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्ती है IMF की। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को सोच समझ के ये कर्ज लेना चाहिए। बांग्लादेश को इतनी जरूरत नहीं है जितनी के आज पाकिस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF से कर्ज मांगा है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुल्क को चला सके और इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत बार बार IMF का दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन अब बांग्लादेश को सोच समझ के इसके ऊपर कदम रखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की हालत ऐसी नहीं है जैसी कि पाकिस्तान की है। और बांग्लादेश भी कर्ज लेने जा रहा है तो ये सबसे ज्यादा परेशानी की बात है बांग्लादेश के लिए। और इनकी शरायत IMF की बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। पाकिस्तान में बिजली के रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, और ये सब कुछ IMF की वजह से हुआ है। IMF बांग्लादेश को भी ऐसी शरायत पर राजी करने की कोशिश करेगा कि टैक्स बढ़ाए जाएं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाए और ऊपर से गैस की प्राइस बढ़ाई जाए और महंगाई की जाए। बांग्लादेश की आवाम को ये सब चीज़ें अब झेलनी पड़ेगी अगर बांग्लादेश को पैकेज लेना है। अगर बांग्लादेश को IMF पैकेज देता है तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त शरायत लागू की जाएंगी। और भारतीय मीडिया का भी यही कहना है कि IMF की तरफ जाना आसान है, इससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बांग्लादेश को अब सोच समझ कर IMF की तरफ जाना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप IMF के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा चले गए तो आपको बार बार IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है। हर बार अपने मुल्क को चलाने के लिए नई हुकूमत को कर्ज चाहिए होता है, कभी चीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी दुबई से और कभी IMF से। तो पाकिस्तान अपने इन्हीं कर्जों की वजह से अब गुलामी में जा रहा है, क्योंकि इनके कहने पर हर तरह की चीज़ें महंगी करनी पड़ रही है और आवाम को अजियत दी जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल की प्राइस बढ़ा कर दी जा रही है, डीजल महंगा किया जा रहा है, बिजली महंगी की जा रही है, गैस की प्राइस महंगी की जा रही है, और पाकिस्तान की आवाम इतनी आमदन नहीं है जितनी पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है। और ये सब कुछ IMF के कहने पर हो रहा है। पाकिस्तान को कर्ज लुटाने के लिए भी कर्ज की जरूरत है, तो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आपका क्या कहना है, बांग्लादेश अगर लोन लेने जा रहा है, अगर बांग्लादेश IMF से लोन लेता है तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।